अभी दोनों कान में पहन के बता रही है जो परिया मेरे सामने है, इतना लंबू आ गया बिग बॉस से निकल के, वाह क्या जोड़ी है। वाह ब्लॉग का है तुम्हारा यार, मैं तो आशिमा से मिला ही नहीं, ब्लॉग में गुलाब बोलने का। माय ब्यूटीफुल फ्रेंड अक्षय खान बैठा है, विशाल बाजू में बैठे, मिस्टर फैसल। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों मेरी अभी भी आवाज रिटर्न नहीं आई है, बट एक दो दिन में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे, मेरे साथ हसनैन भी है। हम लोग जा रहे हैं अदनान के लिए और अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लेने, जो आज उसको देने वाले हैं हम लोग, मैं और हसनैन। अभी हम लोग निकल गए हैं और हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग लेट तो हैं और प्लस हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या दें गिफ्ट। तो हम गिफ्ट दिए नहीं ना, हाँ मैं तो दिया हूँ यार। नहीं मतलब ऐसे सिचुएशन में गिफ्ट नहीं दिए, ज़्यादातर घर वाले ही देते हैं गिफ्ट। तो अपना दोस्त है और अपनी भाभी है, तो हम लोग सोचे कि कुछ अच्छा स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और प्लस हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दें। तो मैं मेरी दोस्त को बुला लिया हूँ, जोया को, वो उसके साथ हम लोग जाएंगे। देखो लड़की समझ सकती है लड़की का गिफ्ट, लड़के समझ सकते हैं लड़के का गिफ्ट। तो मैं अदनान के लिए हम दोनों पसंद कर लेंगे और जोया हमको सजेस्ट करेगी आयशा भाभी को हम लोग क्या दें गिफ्ट, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, हम लोग के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, चलते हैं। आप लोग को भी दिखाते हैं हम लोग क्या पसंद करते हैं, अदनान के लिए और आयशा भाभी के लिए सरप्राइज रहेगा। आप लोग बने रहो ब्लॉग में, देखते रहो, पूरा मजा आएगा, स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो मिस कर दोगे बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नो हाय बाय। तो ये बंदी आ गई है और ये अभी हम लोग को बताएगी कि क्या हम लोग को गिफ्ट देना चाहिए। अभी ये सजेस्ट करने वाली है हम लोग को, गिफ्ट डिजास्टर हो गया तो मैं तो गई। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ही हो गया, मेरे को जोया की पसंद मालूम है, जोया की पसंद अच्छी होती है। दे डाली क्यों, लेट्स गो, अभी हम लोग निकलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मॉल, इन्फिनिटी मॉल मलाड, और हम लोग यहाँ पे पसंद करने वाले हैं अदनान के लिए गिफ्ट। क्या बोलते ब्रो? क्या बोलते तो पहले हसनैन लेगा गिफ्ट, हम लोग लेने वाले हैं कपल वॉच, हसनैन कपल वॉच या फिर कुछ और, अभी सोच रहे हसनैन। हसनैन कंफ्यूज, हाँ वॉच तो वो नहीं लगे, हसनैन को वॉच समझ में नहीं आ रही, तो हसनैन घुस गया है, तो हम लोग कैरेट लैंड में आ गए हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, हसनैन पहले बोल दिया नाइस, अच्छा लग रहा है हसनैन को, ये भी अच्छा लग रहा है फ्लावर वाले, ये भी हम लोग ट्राई नहीं कर सकते थे, इसके लिए हम लोग डमी ले गए हैं। अभी दोनों कान में पहन के बता रही है, ये वाला अच्छा दोनों अच्छे लग रहे हैं, मगर इसका डिजाइन अच्छा दिख रहा है, खुल के न्यू दिख रहा है। हाँ न्यू कलेक्शन है, मैं भी सिलेक्शन कर लिया, मैं बोला कि मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ, तो मैं तो ये अब तो मैं लेके क्यों आया हूँ डमी को, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, ये समझ में आया मुझे, मैं भी बोला कि मुझे यही चाहिए, तो ये दो पसंद कर लिया हसनैन, ये पसंद किया है और मैं ये पसंद किया हूँ। तो अभी अदनान के लिए हम लोग गिफ्ट ले लिए, बट मैं शूट नहीं कर पाया कुछ भी, कहाँ गई ये वॉच, ये वॉच है ना, मैं ये वॉच नहीं है, मैं ये दिया हूँ गिफ्ट अदनान को, ये मैं दे रहा हूँ अदनान को बेल्ट अलमानी का, और वॉच क्या है तेरी, वॉच क्या है, पैकिंग होने गई, यही वॉच है, ठीक है यही सेम है, बट इसका सिल्वर कलर है भाई, ये नहीं है लेकिन तू बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ, बाहर जा रहा हूँ भाई, जाओ 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 जाओ, फोटो निकाल के बाय। तो अभी अदनान के लिए भी हम लोग गिफ्ट ले लिए और आयशा भाभी के लिए तो पहली पसंद कर लिया हम लोग, थोड़ा एक्सपेंसिव लिया आयशा भाभी के लिए, क्योंकि अभी पहली बार आ रहे घर में हम लोग के, तो इसके लिए हम अदनान को तो कभी भी दे देंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग सोचे आयशा भाभी के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव लेते, अच्छा ग्रैंड। और जोया की भी बहुत जल्द होने वाली है, तो जोया को भी बहुत बड़ा गिफ्ट दो हमें, रमजान से ये ढूंढ रही है दूल्हा, अभी तक इसको नहीं मिला बेचारी को, मिलेगा तब तो मुझे भी ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलेंगे, जरूर बड़ा मिले, मेरा गिफ्ट बहुत बड़ा था माशाल्लाह।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अपना गिफ्ट पैक हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं फटफट घर और उसके बाद रेडी होके फटफट जाना है हम लोग को हॉल में। तो गाइस हम लोग ले लिए गिफ्ट और हम लोग यहाँ से निकल गए, हम लोग बहुत ज्यादा लेट है, अभी जा रहे घर, फटफट रेडी होंगे। तो कैसा लगा गिफ्ट लेके? बहुत अच्छा लगा। हसन बोल रहा है कि पहली बार मैं गिफ्ट लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा गिफ्ट लिया। वही बात है, पहली बार नहीं लिया, लेता रहता मगर इस बार बहुत मजा आई गिफ्ट लेने में। तुझे थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा तुम आए इतना हम लोग के साथ। तो दोस्तों मैं आ गया था घर और मैं शावर और लेके मस्त निकल गया हूँ और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं आज क्या आउटफिट कैरी कर रहा हूँ। ऑल ब्लैक, टोटल ब्लैक, शूज भी ब्लैक रहेगा बट मेरा शूज वहाँ रखा है। तो ये रहा अपना कोट और ये रही ब्लैक पैंट और ये रहा शाइनिंग वाला शर्ट, तो ये मेरा आउटफिट है। और ये रहा अपना बेल्ट और ये रही अपनी वॉच, तो ये मैं कैरी करने वाला हूँ, कैरी करके आपको दिखाता हूँ मैं रेडी होके। दोस्तों 7207 रेडी हो चुका है, टोटल ब्लैक आउटफिट आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। तो ये थी मेरी आज की आउटफिट, कैसी लगी कमेंट करके बताना। ऑल ब्लैक और ये रही अपनी वॉच रोलेक्स। लेट्स गो, अभी निकलते हैं अपन फटफट। गाइस ये रैली निकली है यहाँ पे जोगेश्वरी में आज, जैसे कि आप लोग को मालूम है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा है। औरंगाबाद और कहाँ से निकला, नांदेड़ से, औरंगाबाद नांदेड़ से रैली निकली है जो मुंबई में आई है और आज मुमरा से जोगेश्वरी आए हैं। मानना पड़ेगा यार, हक के सैल्यूट है आप लोग को जो भी रैली में है। बारिश इतनी हो रही है, पूरे जोगेश्वरी भरा हुआ है पानी से, पूरा मुंबई भरा हुआ है, 3 दिन से बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं है, बट रैली में लोग देख रहे हो बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं, मानना पड़ेगा यार पब्लिक को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हॉल में और अभी यहाँ पे मुझे मीडिया बाइट देना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देखते हो मुझे मीडिया के, तो ये पूरी मीडिया है और अभी मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, जाके मेरे को थोड़ा फुटेज देना पड़ेगा मीडिया को और उनसे बात करना रहेगा जो आप तक वीडियो पहुँचाते हैं मेरी। लेट्स गो, तो अभी जा रहे हैं अपने भाई को गिफ्ट देने जो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। पहले गिफ्ट देके मैं फारिग हो जाऊंगा फिर थोड़ा मचाएंगे। भाभी का है, भाभी को तो छुपा दियो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है भाभी को बाजू में लेके बैठो तुम। भाभी ग्रीन रूम में अभी। अच्छा भाभी अभी तक आए नहीं है, तो अपना भाई आ चुका है, भाभी नहीं आए, बहुत सही टाइम पे नहीं आए थे क्योंकि मेरा ब्लॉग बन रहा था और अभी भाभी आते तो मुझे रोकना पड़ता क्योंकि भाभी का फेस रिवील नहीं करने का है ना। तो ये गिफ्ट तू पकड़ जब तक, ये गिफ्ट भाभी का है, तभी अपना मुझे नहीं लगता कि मैं मिल पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो थोड़ा रुक जाता हूँ, अपने भाई को मिल लेने देता हूँ, अपने गेस्ट लोग से, मैं फैज हसनैन सब एक साथ धाड़ मारेंगे, तब मज़ा आएगा। मिल चुके हैं, ब्लॉग बन रहा है, अगर मिलता तो मैं दिख जाता। चलो अभी जाते सबसे मिल लेते, जब तक भाई को जानते हो अगर जानते हो तो कमेंट करके बताओ, मेरा ब्लॉग बन रहा कुछ बोलना चाहोगे मुझे। चांगला माणूस आहे हे मी ह्याच्याशी खूप प्रेम करतो, अज्ञानच्या शादी मध्ये आला, खूप खाणार आम्ही दोघे, खाणार, आय लव यू। हे यादव तू ज्यादा हो गया, बंद कर रे। ये माजिद भाई जो मेरी शेरवानी थी ना संगीत वाले दिन, जो मैं अदनान की संगीत पे कैरी किया था, ये भाई डिज़ाइन किए थे मेरी। तो ये माजिद भाई है, हैदराबाद से है, मैं पोस्ट भी किया हूँ उनको, मैं टैग किया हूँ, अगर आपको शेरवानी या जो भी चाहिए भाई को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो। बिंदास परिया मेरे सामने है, आस पास है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोग, सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत कोई बोलेगा ये है जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो ये याद है तेरे कहाँ तक आती थी, आज आज देखो भाई ये यहाँ जा रही है। अच्छा हो थोड़ा और ऊंची हील नहीं पहनी है तो ऊपर दी हो मैं। ये जनरेशन की मुर्गी अलग है, जो लोग खा रहे ना पाव वाली मुर्गी, पनीर में मिलावट है, पनीर में ये तो जॉइंट हो गया तुम्हारे साथ। नहीं यार, आपको कहाँ चाहिए?
घूम रहा था मैं एक घंटे से यहाँ पे झूठ एक्सक्यूज मी सबसे पहले हम आए थे कोई नहीं था यहाँ कुछ आता गाइस यहाँ से अपना लंबू आ गया बिग बॉस से निकल के आज शेरवानी वाला कपड़ा पहन के आया यार कल पहनना चाहिए था तुमको संगीत वाले दिन आज तुमको ऐसे पहन के आना चाहिए वाओ मैं देखा यार अरबाज को क्या सपोर्ट कर रहे थे तुम हक के बंटा है बराबर है दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो वाओ क्या जोड़ी है नहीं ये झूठ बोल रहा है ये मुझे कल बताया कि मैं मार के आ गया उसका हाथ तोड़ दिया और क्या बाकी क्या लिखा है इसमें कभी आगे तक बढ़ेंगे तो मेरे लिए तो मैदान से अदनान का गिफ्ट जो है कुछ तो दर जिंदगी में खाली रिकॉर्ड करता है डालता नहीं है आज तक का एक भी ब्लॉग नहीं देखा लुलामला इधर उधर कितने ब्लॉग शूट करता है बेचारा इतनी मेहनत कर रहा मगर डाल नहीं पा रहा पता नहीं कहाँ बिजी रहता है भाई आउटफिट अच्छा लग रहा है अभी मेरा नंबर आ गया धूला बन चुका है अपना भाई समझ रहे क्या अभी थोड़ा वो लेंस लगा गया ये तो दिखाया नहीं इधर दिखाओ मेकअप उतर रहेगा आटा चलो आटा यार मुझे जान ही नहीं मिल रहा मैं सो जाऊँगी मैं सोलो जाऊँ भाई चाला नहीं यार ये कौन है ये तुम्हें दंगा ही खतरनाक लग रहा है आउटफिट यार हक के बनता है आप लोग जानते हैं इसको जानते हैं तो कमेंट करो शिवानी कुमारी ब्लॉग नहीं बना रहे हो क्यों बना लिया अच्छा बना लिए अरे बाप रे पूरा किट लेके चल रही शिवानी कुमारी मुझे लगा कि आपको सेटअप अलग रात है आप लोगों के पास जोड़ी नहीं है तो सेटअप अरे हम गरीब लोग हैं यार इसके लिए लेकिन फोन आपका हमसे महंगा है बात बराबर है अभी क्या बोलूं मैं मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है बट ये सेटअप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और शिवानी कुमारी का मैं ब्लॉग भी बहुत देखा जब मैं अदनान बिग बॉस में था जब अदनान की शिवानी की बात होती थी तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी और उसको भी मैं बहुत जानता हूँ ईसा यार एक नंबर लड़की है मालूम है जब तक शिवानी बिग बॉस में था ईसा ने शिवानी का पूरा ब्लॉग संभाली थी मैं बोला मतलब शिवानी मतलब मानना पड़ेगा शिवानी स्टॉप नहीं करी अपना ब्लॉग मतलब कंटिन्यू नहीं था कोई ना कोई कवर अप कर रहा था बहुत अच्छा है तुम्हारा न्यू गर्ल भी मैंने कहा ये प्रूफ है कि तुम्हारी आवाज़ खराब है ये काम आएगा शादी हो रही हेलो मिस सना खान वाओ क्या लग रहे हो यार तुम माशाल्लाह नजर में लगे बोलो यार मुझसे एक हफ्ते टाइम बाद मिलते हो तुम गायब रहे तो दिखते नहीं हो सबको वीडियो मिल गया इसने संगीत वाले दिन सबको वीडियो मिल गया मेरे से ही नहीं मिला मैं हसनैन से पूछा कि सना कब आई कब गई मालूम ही नहीं पड़ा मुझे अरे मेरे साथ खड़ा था सामने और बोलता है फोन नहीं मिल रहा है मेरा फोन पता नहीं किधर चला गया मेरे हाथ में फोन नहीं था क्योंकि मैं एक बंदे को लेके आया था शूट करने के लिए तुम मेरा ब्लॉग देखोगे तो मेरे हाथ में लेकर आजकल शूटर आज मैं खुद बनाऊं शूटर आज मैं खुद शूट करूंगा मैं सोचा था कि आज मैं सब कुछ थोड़ा घूमो थोड़ा इतराओ वाओ ए ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट वाओ मतलब मस्त लग रहा है थैंक यू सो मच
मैं तो हमेशा लगता हूँ आप लोग जैसे जानते हो मुझे, है ना। हेलो शिवा, ब्लॉग का है तुम्हारा। हेलो शिवा, बहुत कमेंट आ रहा था मुझे कि शिवा को अपने ब्लॉग में लो, तो मैं आज सोचा कि शिवा को भी मैं भी अपने ब्लॉग में ले लेती हूँ। सत्तू को ऐसा लग रहा है रियूनियन हो गया मेरा ब्लॉग। ओहो, बहुत टाइम बाद मैं और शिफा मिल रहे हैं। गाइस आप लोग देखने को तरस गए थे, ये ना ये मिलियन में जाएगा ब्लॉग तुम्हारा, समझ। ओह माय गॉड, मैं आई हूं ना इस, मैं तो चाहता हूं मिलियन में जाइए। शिफा ये देखिए, शिफा का डायलॉग सुन रहे हो आप लोग, सही में मिलियन में जाएगा। अच्छा यार, मैं तो हाशिमा से मिला ही नहीं, हाशिमा भी ब्लॉग चालू कर दिया जैसी मेरी वॉइस सुनी। शाड़ी है मतलब मेरा कंटेंट मुझे नहीं देगी, पहले खुद करेगी फिर मुझे देगी। अरे पहले इधर तो दे दे, क्या रुको रुको, बाकी सुंदर दिखे सुंदर ये। गाइस आया कौन इससे मिलने, मैं आऊंगा चल के मैं। देखो हाशिमा वैसे भी क्यूट है माशाल्लाह। आसिमा बोलो मेरा नाम, अब आसिमा चौथी बार से मेरा नाम आसिमा बोल रहा हूं। कौन है आसिमा, मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। तो आसिमा यहां पे बैठी थी, बाकी बहुत अच्छी दिख रही है, देख रहे हो इसका आउटफिट। घूमना जरूरी था, वाह 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 वाह, नहीं पड़ेगा ना जब मैं इतनी क्यूट लग रही हूं। करो ये आज मुझे मिला सुफियान, संगीत में मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि संगीत में मैं मेरा ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था। इतना बिजी थे डांस करने में, तुम्हारा आवाज दे देकर थक गया मैं। सॉरी यार सॉरी, मैं सोचा था कि अगर यहाँ पे मिलेगा तो मैं सुफियान को जरूर कैप्चर करूंगा मेरे ब्लॉग में। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और भाई बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे, तुम्हारे को टोटल फॉलो भीड़ तो देखो कितना है। चेयर होने के बाद भी कोई चेयर पे नहीं बैठ रहा, सब खड़े हैं यहाँ पे। मुझे लगता है चेयर को वापस करना पड़ेगा मुझे, चेयर होने के बाद भी कोई नहीं बैठ रहा, सब घूम रहे हैं यहाँ पे, सब फोटो फटाकड़ा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, रेड फूल होता है ना, रेड फूल एकदम गुलाब। नहीं रीवा, रीवा के लिए किसी ने गाना गाया था, अब रीवा गाएगी वो गाना। लाल छड़ी, लाल छड़ी। नहीं यार ये गलत है, गुलाब को गुलाब बोलने का, गुलाब है गुलाब। तुम इतने शोर में ब्लॉग कैसे मना रहे हो, आवाज आ रही है कि नहीं आप लोग के पास, कमेंट करो। बट शोर हो रहा है तो क्या हुआ, लोगों को देखने में मजा आ रहा है। पांच मिलियन लाइक आना चाहिए, बहुत थैंक्स। भी बहुत यार, सब्सक्राइबर कम है। माय ब्यूटीफुल फ्रेंड अफशा खान, वाव यार सो प्रीटी, सो एकदम ब्यूटीफुल, नाइस, खतरनाक, ऑल ओवर यार, ऑल ओवर। सर ये फ्लावर है ना, सेम अफशा वैसी दिख रही है। गाइस कमेंट करके बताओ सच सच में वैसी दिख रही है कि नहीं। बस तुम ना हाइट से जी लिया, थोड़ी हाइट में थोड़ी छोटी है, थोड़ी देर एंकर लेंथ वाली सैंडल पहन रहे तो थोड़ा हाइट। बट ऐसा बोलते हैं ना, प्रेशियस थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, तो वो मैं हूँ। कीमती चीजें जैसे डायमंड हो गया, चलो अभी हम लोग फोटो मार लेते हैं क्योंकि हम लोग संगीत में फोटो क्लिक नहीं कर पाए थे, क्लिक कर पाए थे आज, हम लोग क्लिक करेंगे। थोड़ा काला दिखूंगा आप सबके सामने, कोई नहीं कोई बात नहीं, तुम हैंडसम लगता है, माय फ्रेंड लुक्स लाइक एंड्रू टेट। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा क्यों लूं मैं तुमको ब्लॉग में, ये बताओ पहले। ऐसी आपका ब्लॉग बहुत देखते हैं हम लोग, क्या क्या देखने मिलता है मेरे ब्लॉग में, बस ऐसी मजे के लिए देखते हैं। ओ मजा आती है देखने में, बहुत अच्छी करता हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो क्या बोलना चाहोगे आप। बहुत आपकी वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग थिंग मिलती है हम लोग को, इंटरेस्टिंग स्ट्रेचिंग ना। ठीक है अभी ये ब्लॉग देखना, अभी मैं तुमको ब्लॉग में ले लिया, अभी जाके टीवी पे देखना सब लगा के, ठीक है। ठीक है चलो अभी ताली दो। तो गाइस अभी खाना खाने का टाइम हो गया है और मेरे साथ बैठा है विशाल, वेज का वेट करते हुए। वेज का वेट करते हुए मैं इसको बोला नॉन वेज खा ले, बट वो बोला कि मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं बोला ठीक है कोई नहीं वेज मंगाया जाए विशाल के। और अपने बाजू में बैठे मिस्टर फैसू, स्मार्ट दिख रहा ब्रो,
प्लेट देख खाली नहीं कर रहा, ये सोच रहा था कि सद्दू ब्लॉग बनाएगा तो मैं कब स्टार्ट करूंगा। एक चीज होती है बनाना और एक चीज होती है पोस्ट करना। तो तुम लोग लेते हो, पोस्ट नहीं करते हो? मैं पोस्ट करता हूँ, मुझे बोल पोस्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने किया ब्लॉग, मेरा तो आज ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी है। वो तो देखा मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक दिन ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आए। उसके लिए ना रात भर जाग के ना जल्दी से एडिट करवाना पड़ता है भाई। क्या नहीं बराबर पैज बोल रहा, तू नहीं एडिट किया है। क्या बोला जो लोग नहीं करते ना उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से प्रोसेस है। और ये वो बंदा है फैज, वो फैज जो की शूट करता है 4-5 ब्लॉग मगर एक भी ब्लॉग इसका आता नहीं है। पता नहीं पर्सनल में कोई लड़की को भेज रहा है किसको। अरे बाप रे, तो ये था कन्वर्सेशन फैसल का, जो कि फैसल सच बोला है। फैज वाकई में ब्लॉग नहीं डालता है, बस शूट करता है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे हो शूट करते हुए, हंसता है तो खाली फोन फुल कर रहा है अपना 1 TV बना दो। लेकिन मेरे पास एडिटर नहीं है, जो वीडियो देख रहा है एडिटर मेरे को कॉन्टेक्ट करो। जो भी एडिटर है वो असन को कांटेक्ट करे एडिट करने के लिए वीडियो असन की। बट मैं देता हूँ तुझे एडिटर चाहिए तो बोल, मोनेटाइज कर दे। ठीक है मोनेटाइज कल करते हैं। ठीक है आज कुछ बोलना चाहेगा तू? रमजान में ब्लॉग बना रहा था, उसके बाद ब्लॉग बनाना ही बंद कर दिया। ठीक है देखते कब स्टार्ट करते हैं। और साबिर भाई फाइनली पहुँच गए तुम, फाइनली पहुँच गए, 11-12 बजे पहुँचे हैं। ये 1 बजे क्यों मुझे पता है? क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, रेड अलर्ट है चारों तरफ इसके लिए। चलो ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ, बात तो सही बोल रहे सर। हाँ विशाल आ गया, विशाल का बैच भेज आ गया भाई। रसगुल्ला भी आया यार, ओहो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन अच्छा खाओ 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 तुम खाओ। चलो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर, और खास करके कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करो शेयर करो, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, लव यू एवरीवन। और 300 के कंप्लीट हो गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों का कमेंट में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। आप लोग को मेरा ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, इतना अच्छा पॉजिटिव कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और मैं अपने तरफ से ऐसी वीडियो देते रहूँ आप लोग को। बाय, टेक केयर।